गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मैथ्स एडुकेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन, मैट्रिसेस का लेक्चर वीडियो के साथ। तो आज हम लोग असाइनमेंट करेंगे ना, पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स पे क्वेश्चन किए थे और असाइनमेंट भी हम लोग किए थे। आज भी हम लोगों की असाइनमेंट की ही बारी है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज, और ऑप्शन है कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थोड़ा ऑप्शन लिखने से हम लोगों का टाइम चला जा रहा है, खैर उससे फायदा होता है, आपको कोशिश किया जा रहा है कि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही दिया जाए ताकि आप लोग देखो और सीखो। हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में सीखे थे कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए डिटरमिनेंट अच्छा से क्लियर होना चाहिए, कोफैक्टर अच्छा से क्लियर होना चाहिए और एडजॉइंट अच्छा से क्लियर होना चाहिए। उसमें ये भी बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट में उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है तब। तो ठीक है, हम लोग बात भी किए और क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो इनवर्स निकालना है तो आपको बताया गया था ना कि जब भी, वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस है तो इसमें तो कुछ हाँ बना के और ऑप्शन चेक करना होता है, तो आप रफ में कैसे हूँ भी करो वो तो आपका दिखेगा नहीं, बट अगर बोर्ड में, हम लोग दोनों ऐसा करते हैं ना कि अगर बोर्ड में भी आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। लेट ए ले लेते हैं ना, लेट ए मैट्रिक्स कुछ दिया नहीं है तो ए ले लेते हैं, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा और यहाँ कॉस 2 थीटा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये वैल्यू 1 होता है। तो लिखेंगे ना हियर जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। और हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे ना, अभी आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, और इसका हम लोग एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें डायगोनली और एलिमेंट जो होता है उसको इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ कॉस 2 थीटा है यहाँ कॉस 2 थीटा है तो सेम ही रहेगा ना, इसको इंटरचेंज कर दिए बट दिख नहीं रहा है क्योंकि सेम है। इस दोनों को सेम प्लेस में रखते हुए माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा ना माइनस साइन 2 थीटा और यहाँ माइनस से करेंगे तो साइन 2 थीटा, और नीचे तो 1 है ना तो वहीं आएगा, 1 में कोई भी मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो ईच एलिमेंट 1 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा ना कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, और देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। यहाँ तो माइनस है बट यहाँ हम लोगों का क्या आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो ये देखो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, बट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ रहा है, तो इसमें चेक करो ये भी नहीं, हाँ ये मिल रहा है, हाँ तो ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 8 नंबर का डी।
लिखिए इसको, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स प्लूरल है ऑफ इक्वल डिग्री देन विस वन इज करेक्ट एमोंग द फॉलोइंग। और ए नंबर में है ए मैट्रिक्स प्लस बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स प्लस ए, बी नंबर ऑप्शन है ना ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी नंबर है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और डी में है ए बी इज इक्वल टू बी ए। और ये पूछा है आईआईटी 1995। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ए और बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा यहाँ जो लिखा हुआ है ना इक्वल डिग्री, तो इक्वल डिग्री से आज से आप यही समझोगे कि सेम ग्रुप का मैट्रिक्स है, सेम ग्रुप का। तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको मैट्रिक्स एडिशन बताया गया था, प्रॉपर्टीज बताया गया था कि मैट्रिक्स एडिशन इज ए कम्यूटेटिव, तो ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और ए नॉट कम ए तो होता नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी से आंसर ये हो जाएगा। चलिए लिखते जाइए, जितना ही क्वेश्चन होगा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द मैट्रिक्स, फॉर विच द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए टू टू फोर एच सिंगुलर इज, और ऑप्शन है ए नॉट इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कि एक मैट्रिक्स है और उसमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये बताया है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बताया गया था कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसका जीरो नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर। आप देखे भी थे इनवर्स मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स ए था वो नॉन सिंगुलर था, तो देखे थे कि ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता था वहाँ, तो यहाँ क्या है सिंगुलर है बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ए का जो डिटरमिनेंट नॉट सॉरी ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो क्योंकि सिंगुलर है, तो याद रखना है सिंगुलर वर्ड तो उसका डिटरमिनेंट जीरो, नॉन सिंगुलर तो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करो 4a ए माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से a इज इक्वल टू वन, तो ऑप्शन बी लिखिए इसको। हो गया, चलिए अब हम लोगों का क्या रह गया ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाकी रह गया,
और एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट होता है, यही रह गया, दो टॉपिक रह गया। ठीक है, हम लोग असाइनमेंट करते हैं फिर उसको कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 011 एंड बी इज इक्वल टू 1051, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज, और हम लोगों का ऑप्शन है नो रियल वैल्यूज। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, जब मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे तभी कर चुके हैं। हाँ, कहाँ किए थे याद करो, इक्वल ऑफ टू मैट्रिक्स में। फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं, एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ है तब अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसी को हम लोग ले लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। हाँ, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, हाँ ए इंटू ए, ए तो ए का वैल्यू क्या है ना, अल्फा 011 और फिर अल्फा 011 और यहाँ बी का, बी मैट्रिक्स क्या है ना 1051। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो इसको पकड़ो ऐसे घुमाओ, तो अल्फा में अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, जीरो में वन से करेंगे तो जीरो, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। फिर इसको पकड़ेंगे और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा। अब हो गया, अभी सेकेंड रो ले लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा और यहाँ वन, तो कितना हो जाएगा ना अल्फा प्लस वन, और यहाँ फिर इसको इसमें, तो वन में जीरो से जीरो और वन में वन से वन, क्या हो जाएगा वन हो गया। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, इसको घुमाए तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको पकड़े ऐसे घुमाए तो जीरो, ठीक है, और ये अल्फा प्लस वन, ठीक है, और ये वन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देख रहे हैं ना कि ये हम लोगों का इक्वल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, तो ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ये तो जीरो बराबर जीरो दिख रहा है ना, वन बराबर वन दिख रहा है, तो हमको क्या क्या करना है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और एक और आ रहा है अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ से फाइव, तो अल्फा इज इक्वल टू उधर जाएगा ना तो फोर। तो यहाँ बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस वन और यहाँ बोल रहा है अल्फा का वैल्यू फोर, हाँ ये तो गलत बात है ना। हम बोले किसी चीज़ को, जैसे यहाँ स्केच है इसको मैं बोले कि ये मार्कर है, और फिर हम थोड़ी देर के बाद इसको बोले कि नहीं ये पेन है, नहीं तो सिंपल पेन छोड़ो ना, मार्कर नहीं बोल के हम बोले ये बुक है, ये तो गलत बात है ना, कोई बोलेगा ये पागल है। उसी टाइप का कुछ कंडीशन हुआ है, अल्फा का वैल्यू यहाँ प्लस माइनस वन या फोर, तो हम लोग कुछ नहीं ले सकते हैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा नो रियल वैल्यू। और ये जो क्वेश्चन अभी जो लिखे हैं वो आईआईटी 2003 में पूछा हुआ है, आईआईटी 2003 में। हाँ लिखिए, इसे फट से लिख लेना है ना, पॉज करके लिख लेना है, जल्दी से लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, बट जानो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू ए बी। अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू टू ए बी। अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू टू ए बी और बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ गिवेन है ना, क्या गिवेन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और देखो ए स्क्वायर है तो ए ए लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स यहाँ है तो ए स्क्वायर की जगह हम दो बार यहाँ लिखेंगे ना, ए बी बी ए हो गया, और फिर ए बी बी ए होगा तभी तो दो बार, तब तो ए स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू कितना, हाँ जैसे पिछला क्वेश्चन था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करो ऐसे तो ए बी सॉरी ए ए ए स्क्वायर और बी 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 स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और बी ए तो हो जाएगा टू ए बी, फिर अब इसको पकड़ें तो ए बी और बी ए हो जाएगा टू ए बी, और यहाँ पकड़ें तो फिर हो जाएगा ना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ कितना अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अब ये तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है ना, तो ईच एलिमेंट सेम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू टू ए बी। इसमें भी देखो बीटा इज इक्वल टू टू ए बी, कोई भी ले लो सब में सेम आ रहा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू टू ए बी, हाँ ये ऑप्शन। और पहले जो अभी जेई मेन चल रहा है ना, पहले ए आई ट्रिपल ई होता था, तो ए आई ट्रिपल ई में पूछा हुआ है क्वेश्चन 2003 में। चलिए मिटाते इस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू जीरो जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो और माइनस वन जीरो जीरो, द ओनली बोल रहा है द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स ए इज, और ऑप्शन दिया है ना ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है ए इज इक्वल टू माइनस वन इंटू आई वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, लिखते जाइए साथ में, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और डी में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स दिया हुआ है और देखना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये तो जीरो मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि बताया गया जीरो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है जिसका सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब देखो ये हम लोगों का दिया हुआ है ना, ये हम लोगों का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें से हम लोग और माइनस कमन कर लें, माइनस वन कमन कर लें, तो माइनस वन सभी एलिमेंट से कमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, हाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई करके देखो आ जा रहा है चीज। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ जो ऑप्शन टू में दिया है माइनस वन इंटू आई, तो माइनस वन तो यहाँ आया बट ये आई मैट्रिक्स नहीं है, हाँ ये आई मैट्रिक्स नहीं है, आई मैट्रिक्स में क्या होता है ना डायगोनली एलिमेंट वन होता है, तो है नहीं, तो हम लोगों का दूसरा ऑप्शन भी क्या है गड़बड़ है, हाँ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिटर्मिनांट अगर जीरो आ जाता है ना तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो इसका डिटर्मिनांट फाइंड आउट कर लेते हैं, ते तो जीरो, हाँ इसके अलॉन्ग चलेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो इससे फायदा ही नहीं, हाँ तुम लिखो ऐसे जीरो लिख के कटिंग करा के लिखो, फिर उसके बाद माइनस जीरो करके लिखने कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा ना फिर माइनस वन, और इसको कटिंग कराते हैं तो क्या बचा
जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो, तो ये तो सब खत्म, जीरो ये क्या बचा ना माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो क्या बचा वन। हाँ तो ये भी हम लोगों का स्टेटमेंट गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ वन आ रहा है तो जीरो आता तब तो नॉट एग्जिस्ट होता, यहाँ कुछ आ रहा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, बट यहाँ दे रहा है नहीं एग्जिस्ट होगा, ये भी गड़बड़ है। तो तीनों गड़बड़ तो ये सही, आप मल्टीप्लाई करो इसमें फिर से इसी से आई मिलेगा। ठीक है चलिए लिखिए इसको, और अभी जो क्वेश्चन अभी बताया गया वो पूछा था AI EEE 2004 में पूछा था, अभी जो कराया गया वो AI EEE 2004 में पूछा था। एक क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू वन माइनस वन माइनस वन टू वन माइनस थ्री वन 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 एंड टेन बी इज इक्वल टू फोर टू टू माइनस फाइव जीरो अल्फा और वन माइनस टू थ्री। हाँ ये टेन बी इतना दिया है, और फिर क्या है ना इफ बी इज दिया हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देन अल्फा इज और ऑप्शन है हम लोगों का माइनस टू वन टू फाइव। क्वेश्चन देखिए ए एक मैट्रिक्स है और टेन बी इज इक्वल टू एक अलग मैट्रिक्स है, और बोल रहा है कि जो ए है बी जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ध्यान दीजिए आपको बताया गया था कि ए बी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ए बी आई तभी लिख सकते हैं जब इसमें से एक इसका इनवर्स, जैसे बी ए का इनवर्स हो या ए बी का इनवर्स हो तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई होता है। तो बोल रहा है ना कि बी जो है वो ए का इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट आई होगा। जब भी कोई बोले कि सी जो है वो ए का इनवर्स है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके आई लिखते हैं। हाँ जब भी इनवर्स बोले तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आई के बराबर करते हैं, ये हमने देखा था इनवर्स में। यही सब टेक्निक है जो माइंड में रोटेट कराते रहना है कि जब भी बोले कोई मैट्रिक्स उसका इनवर्स है तो उसको मल्टीप्लाई करके आई लिख देते। ठीक है तो चलो यहां ए की जगह करते हैं ना, ए की जगह वन माइनस वन माइनस वन टू वन माइनस थ्री और वन वन वन। हाँ तो एक मिनट, ए का वैल्यू तो हम लोग यहां डाल देंगे ना ए का वैल्यू, बट यहां बी नहीं है टेन बी है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग उसको यूज करने के लिए हाँ ये तो होगा ना इस स्टेटमेंट से इतना लिखे, उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या किए कि इसमें टेन से गुना कर दिया। कहीं भी गुना कर सकते ना इधर इधर इधर, क्योंकि ये स्केलर है प्रॉपर्टी से बताया गया था, तो ये हो जाएगा ना टेन आई। अब चलो ए का जो वैल्यू है ना, ए का वैल्यू वन माइनस वन माइनस वन टू वन माइनस थ्री और वन वन वन, और टेन बी का वैल्यू डालेंगे ना, टेन बी का वैल्यू है फोर टू टू माइनस फाइव जीरो अल्फा और वन माइनस टू थ्री। और देखो इसी के अनुसार ये डिसाइड होता है ना, ये तीन हाँ ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी जो हम लोग मैट्रिक्स लेंगे आई वो थर्ड ऑर्डर का लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ 10 इंटू वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है मिटाते इसको, मिटाते फिर से हम लोग आ जाएंगे ना ऑप्शन। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, अब थोड़ा सा इसमें कुछ हम लोग दिमाग लगाएंगे।
क्योंकि हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, हम लोगों को अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग अगर इसको पकड़ते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं अल्फा दिखेगा क्या? हाँ, इसको पकड़ते हैं और ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, जो भी आएगा, सपोज ये कुछ आएगा, क्या मतलब है उससे? उससे कुछ मतलब है नहीं। समय बचाने का उपाय बता रहे, नहीं तो तुम करो गुना, लेकिन क्या जरूरत है? इसको यहाँ पकड़ के इसमें करेंगे ना, तो जो आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। बट इसमें इसमें कहीं अल्फा है नहीं तो उससे क्या फ़ायदा? फिर इसको पकड़ के इसमें करेंगे तो ये भी कुछ दूसरा आएगा। सपोज यहाँ ये आ गया, कुछ आया, मतलब सिम्बोलिकली मैं लिख रहा हूँ कि कुछ आया। फिर जब हम लोग इसको और इसको पकड़ेंगे ना, तो देखो इसमें अल्फा आएगा, तो वन में टू से करेंगे तो कितना हो गया? टू। और माइनस वन से अल्फा में करेंगे तो माइनस अल्फा, और माइनस वन से थ्री भी करेंगे तो माइनस थ्री, और बाकी यहाँ कुछ आएगा। हाँ, यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हाँ कुछ आएगा, लेकिन उससे हम लोग मतलब है नहीं। फिर 10 से गुना होगा तो सब में कर दीजिए, तो 10 जीरो 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 10 जीरो 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 10। अब पढ़े ना, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया ना, तो ईच एलिमेंट सेम, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? एक मिनट, अल्फा उधर जाएगा तो क्या बचेगा ना? 2 माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, बट माइनस 1 यहाँ है नहीं। एक मिनट, हाँ तो वैसे तो करने पे अल्फा का वैल्यू माइनस 1 ही आ रहा है। एक काम करो, लग रहा है ना कि असाइनमेंट अलग क्या रहा है, नहीं असाइनमेंट में यहाँ माइनस 1 नहीं होगा, चेंज कर लो जो क्वेश्चन था। एक मिनट, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन था ना, ये का जो वैल्यू था, ये का मैट्रिक्स ये था ना, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 1 माइनस 3 और 1 1 1 था। ये जो मैट्रिक्स ये का वैल्यू आपको जो लिखाया गया ना, यहाँ माइनस हटा लीजिए। ये मिसप्रिंट हो गया ना असाइनमेंट में, यहाँ क्या करो आप, 1 कर लो। तो 1 कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, ए का वैल्यू रखा गया यहाँ, ए के वैल्यू तो इसको रखा गया ना, तो यहाँ 1 कर लिया। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो अल्फा आ नहीं रहा है तो छोड़ दिया, उससे क्या मतलब? फिर नहीं आ रहा है तो फिर इसको इससे कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 और माइनस अल्फा और यहाँ 1 और यहाँ 3 तो प्लस 3। हाँ प्लस 3, तो यहाँ प्लस 3 तो अल्फा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू 5 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 5 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था वो AI EEE 2004, हाँ AI जो अभी JEE मेन बन गया, AI EEE 2004 में पूछा था। तो ये 5 कौन सा ऑप्शन में था? डी में था, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, कोई अगर ये बोलता है ना कि सर अभी अल्फा का वैल्यू, सपोज अल्फा का वैल्यू दूसरे जगह से कहीं करने पे अगर कोई दूसरा हो जाए वैल्यू, तो उस केस में तो अल्फा का कोई भी रियल वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो हाँ, जैसे ईच एलिमेंट को अगर इक्वेट करेंगे ना, तो मान लो कि सबको अगर करेंगे तो फिर कहीं अल्फा का वैल्यू आ जाए कोई दूसरा नंबर, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि नॉट रियल वैल्यू जो है नहीं है। अगर दिया रहता तो सबको करना पड़ता, बट यहाँ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम लोग इस तरीका से कर सकते हैं। तो ये आपको सिखाया गया कैसे हम लोग एग्जाम में टाइम हाँ बचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट फाइव माइनस सेवन माइनस टू थ्री और माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स और सेवन टू, ये गिवन दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछता है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, गिवेन फाइव माइनस सेवन माइनस टू थ्री और ये दिया हुआ है। तो कोई बच्चा क्या सोचेगा ना कि ये जो मैट्रिक्स है डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। तो ये हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, आप देखो टेक्निक देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, देखो कैसे इसको बनाया जाता है, हम लोग लेट कर लेते हैं ना, इसको बी ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू फाइव माइनस सेवन माइनस टू थ्री और एंड सी इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स और सेवन टू। तो इसको अगर b ले लिया गया तो इसके जगह पे हम लोग b रखेंगे, और तो यहाँ a है ही है और इसको हम लोग लेट किए हैं c, तो c ले लेते हैं। हाँ कैसे किए आप देखें, अब देखो हमको जो है क्वेश्चन में a फाइंड आउट करना है, तो यहाँ a फाइंड आउट करना है मतलब b हटाना है। तो b हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई बी इनवर्स। मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स को हटाना होता है उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हाँ ये जानिए, जिस मैट्रिक्स को हटाना होता है उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा बी इनवर्स बी ए और इधर बी में C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी B इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इधर B इनवर्स और इधर भी B इनवर्स। और आपको बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हाँ देखो यहाँ B है और यहाँ उसका इनवर्स है, तो ये B B इनवर्स की जगह I हो जाएगा और यहाँ A हो जाएगा। और ये भी बताया गया था कोई भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा होता है तो वहीं मिलता है। तो ये फाइंड आउट करना है ना, तो ए का वैल्यू यही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या क्या, बी हटाना है, लेट हम लोग कर लिए, हाँ कुछ भी ले सकते हैं लेट, बट यहाँ ए फाइंड आउट करना है तो इधर बी हटाना है, तो उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई, इधर भी बी इनवर्स इधर भी बी इनवर्स, तो बी इंटू बी इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हो गया और ए हो गया और ये इतना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है। तो चलिए इतना लिखिए, फिर मिटाना पड़ेगा, हो गया ये इक्वेशन वन कर लो, यहां मिटाते हैं इसे, नोट कीजिए। तो उस इक्वेशन में डालना होगा बी इनवर्स का, तो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे ना, बी इनवर्स, तो बी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी और नीचे बी का डिटरमिनेंट। तो B का एडजॉइंट निकालिए, तो सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसी को B लिए थे ना, हाँ मिटाए हैं इसको, B लिए थे और इसको C लिए थे, तो चलो इसका हम लोग क्या निकालते हैं ना एडजॉइंट, तो इसको क्या करते हैं ना, डायगोनली एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, थ्री फाइव माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए टू सेवन, और डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, देखो फिफ्टीन अब फोर्टीन वन हो जाएगा, क्या मिला थ्री सेवन टू फाइव।
अभी इनवर्स मिल गया ना, उसी में वैल्यू डाल देना है ए नंबर इक्वेशन में, वन नंबर इक्वेशन में। तो क्या है, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स का वैल्यू इतना आया 3725। और सी, सी किसको लेट किए थे ना, इसको -16 -6 और 7 2 पकड़ के गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -48, ऐसे -48 और ए +49। फिर इसको ऐसे गुना कीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा -18 और +14। फिर इसको ऐसे गुना कीजिए तो -32 और प्लस कितना 35। फिर ऐसे कीजिए तो -12 + 10 क्या मिलेगा बताओ, हाँ क्या मिलेगा, वीडियो में आ रहा है चेक कर लीजिए। ठीक है ऊपर भी लिख देते हैं, तो लास्ट है तो 49 - 48 1 और यहाँ हो जाएगा ना -4 और यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ना -2। हाँ इसको सोल्व कर लेना, क्या है 1 - 4 - 3 - 2 यही आया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सबका टाइप माइंड में रखिए, बोर्ड में इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। तो चलिए मिटाते हैं इसे, एक क्वेश्चन और करो, ये वन नंबर था ना, इस क्वेश्चन का वन नंबर था, टू नंबर हम करते हैं। टू वन थ्री टू गुने ए गुने 3 - 2 - 5 - 3 इज इक्वल टू 1001। देखो ए फाइंड आउट करना है ना ए, तो हम लोग उधर उसको भेज नहीं सकते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में लफड़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखो टेक्निक, इसको कुछ लेट कर लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू 2132, सी इज इक्वल टू 3 - 2 और 5 - 3 और ये तो आई मैट्रिक्स ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, तो इसे कुछ लेट करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, इसके जगह क्या लिखें, बी गुने ए, इसके जगह क्या लिखें, इसके जगह सी लिखें और ये आई, तो ये पता है ना कितना ऑर्डर का, दो ऑर्डर का है तो आई टू, हाँ आई तो होगा बट ऑर्डर दो होगा तो आई टू, ऑर्डर थ्री होगा तो आई थ्री। अब देखो हटाना है ना, क्या क्या हटाना है हमको, ए का वैल्यू चाहिए तो बी भी हटाना है सी भी हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स, तो इधर क्या करेंगे ना, बी इनवर्स और इधर भी बी इनवर्स, तो ये बी बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ ये मिलके क्या मिलेगा ना, ये मिलके हम लोगों को आई मिलेगा ना, आई मिलेगा, तो I और फिर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो यहाँ लिखते हैं I क्रॉस A क्रॉस C और यहाँ कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, या कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है, इनवर्स हो या सिंपल हो, तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो यहाँ B इनवर्स ही मिलेगा। हाँ अब हम लोग इधर आ जाते हैं, तो ये देखो आई में कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलेगा ना, मतलब आई खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी, ए गुने सी इज इक्वल टू बी इनवर्स, हाँ इज इक्वल टू बी इनवर्स। हाँ मिटाते हैं इसे, मिटाते हैं, लिखिए जल्दी इसे। हाँ तो क्या मिला हम लोगों को, क्या मिला, इसको यहाँ लिखते हैं ना, इसको यहाँ लिखते हैं ए गुने सी इज इक्वल टू बी इनवर्स, हाँ इसको यहाँ लिखते हैं। अब देखो हमको तो ये चाहिए ना, अभी हम लोग बी हटाए,
अब फिर हमको सी हटाना पड़ेगा, तो फिर से लिखिए मल्टीप्लाइंग सी इनवर्स बोथ साइड्स। हाँ बोथ साइड्स, तो इधर ए गुने सी, फिर सी इनवर्स और यहाँ बी इनवर्स है, फिर इधर भी सी इनवर्स। तो ए गुने कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ क्या हो गया ना बी इनवर्स सी इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स में आई से करेंगे तो वही मैट्रिक्स ए इनवर्स सी इनवर्स। इक्वेशन बना लीजिए। अब ए का वैल्यू जो पूछ रहा है ना, तो ये हमको फाइंड आउट करके यहाँ डालना होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसे, इसे भी नोट कर लीजिए, याद करिए ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। हम लोग को बी इनवर्स सी इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है। चलो अब चलो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे ना, तो इसी को तो हम लोग बी लिए ना, तो बी निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट। तो बी यहाँ हम लोगों का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए, तो इंटरचेंज कीजिए, तो ये टू टू दिख नहीं रहा है क्योंकि सेम है, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इसका डिटरमिनेंट फोर माइनस थ्री वन वन। तो कोई भी मैट्रिक्स में वन से हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो वही मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि ईच एलिमेंट में वन से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे ही सी इनवर्स भी फाइंड आउट कीजिए, तो क्या हो जाएगा ना एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सी का डिटरमिनेंट। तो चलो इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा ना माइनस थ्री, ये हो जाएगा थ्री, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई माइनस फाइव, इसमें माइनस से तो टू, और इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा माइनस नाइन, और कितना हो जाएगा माइनस टेन, और मिलके प्लस टेन, मतलब माइनस नाइन हुआ और माइनस टेन। हाँ कुछ ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है जो आ रहा है ठीक है ठीक है। हाँ अरे माइनस छोटा है ना यहाँ। हाँ देखो थ्री माइनस थ्री क्या हो गया ना माइनस नाइन, और फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई करो माइनस टेन। और कैसे करते हैं ना, ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया ना, तो टेन माइनस नाइन कितना वन ही आएगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा यही थ्री टू माइनस फाइव थ्री हो गया। अब जो हम लोगों को मिला था ना इक्वेशन, जो भी इक्वेशन था वन नंबर या जो भी इक्वेशन जो मिटाए हुए हैं, वहां क्या था ए इज इक्वल टू क्या था बी इनवर्स सी इनवर्स। तो वैल्यू डाल देना है ना बी इनवर्स सी इनवर्स, तो बी इनवर्स की जगह कितना माइनस थ्री टू माइनस फाइव थ्री, और सी इनवर्स की जगह कितना माइनस थ्री टू माइनस फाइव थ्री। और यही जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री। हाँ ये हो जाएगा माइनस थ्री कितना हो जाएगा नाइन, और ये हो जाएगा ना माइनस टेन, तो आ जाएगा ना माइनस वन। फिर इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस सिक्स और प्लस सिक्स जीरो हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन और माइनस फिफ्टीन जीरो, और इसको करेंगे तो माइनस टेन, हाँ माइनस वन, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन यही आ रहा है। तो चलिए लिखिए इसे, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी कीजिए। बट यहाँ जो 25 का आंसर है, 25 का आंसर 1110 है, 1110 है, थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे क्या है 25 का आंसर 1110, बट हम लोग का माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन है, ठीक है देख लीजिए। हाँ यहाँ देखो एडजॉइंट लिखा गया था ना बी का, तो यही बी हम लोग लिए थे, तो डायगोनली एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, तो टू टू इंटरचेंज हो गया, और इसमें माइनस लगा के माइनस वन माइनस थ्री हो गया। इसमें भी हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री, और ये हो जाएगा फिर यहाँ थ्री, और इसमें माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा माइनस फाइव। हाँ तो ठीक तो है,
हाँ यहाँ गड़बड़ी हुआ है, यहाँ गड़बड़ी हुआ। देखो बी इनवर्स का जो वैल्यू आया था ना, बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ है 2 माइनस 1। हम लोग सेम सेम लिखे ना, देखो अरे सेम सेम लिखे ना यहाँ, बी इनवर्स क्या है ना 2। हाँ टू, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बनाना होता है ना मेट्रिसेस। हाँ बी इनवर्स का वैल्यू 2 माइनस 1 और यहाँ -3 2 -3 2, और यहाँ सी इनवर्स का क्या है -3 2 -5 3। अब चलो मल्टीप्लाई करो, वैसे करते हैं तो कितना हो जाएगा -6। हाँ -6, हाँ ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, -6 और +5 क्या हो जाएगा -1। फिर इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और -3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 और -10। हाँ कीजिए 9 और ये -10, तो हो जाएगा -1। हाँ माइनस ऐसे हम लोग करेंगे तो 9 और यहाँ -10, तो -1 यहाँ हो जा रहा है। और फिर ऐसे इसमें करेंगे तो -6, हाँ यहाँ तो 0 आ रहा है ना, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। अब तो चेक कीजिए, चलिए ठीक है लिखिए इसे। हाँ तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, और ऐसा क्वेश्चन काफी बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मिटाते हैं इसे। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, भी क्वेश्चन जब कराया जाता है तो सोचा जा रहा है कि हाँ असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ क्वेश्चन है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एंड इफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डी है, एंड जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है वो डी डैश है, देन देन ऑप्शन ए में बी में सी में और डी में नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन देखिए, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन है, उसका ऑर्डर क्या है एन है। हाँ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एंड इफ एक मैट्रिक्स का जो ए दिया हुआ है ना उसका डिटर्मिनेंट डी है, और उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट डी का ट्रांसपोज है। अब पता नहीं डी क्या है ना, क्योंकि इसमें मेंशन किया नहीं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए पता है, बट डी का कोई मेंशन नहीं है। अब डी पता नहीं मैट्रिक्स है कि नहीं, मतलब डी डैश है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ना, यहाँ देखेंगे कि सब ऑप्शन में डी डी डैश है, डी डी डैश, डी डी डैश। हाँ मतलब डी डी डैश फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी डी डैश फाइंड आउट करेंगे। तो डी का वैल्यू क्या है ना, डी का वैल्यू
डी का वैल्यू हम लोगों को मिला ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, और डी डैश क्या मिलेगा बताओ? तो डी डैश मिलेगा हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। क्या किया जाए कि वैल्यू निकल जाए, सोचिए। चलो हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग जो जानते हैं वो यूज करके लगाते हैं इसमें। हाँ, क्वेश्चन कहीं भी देखिए तो जितना आप जान रहे उतना यूज करो, आगे का रास्ता दिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि जब पूरा दिखेगा तो चलेंगे। अब देखिए इसका हम लोग इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का पावर एन माइनस वन होता है। हाँ, कोई भी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का पावर ऑर्डर माइनस वन। हाँ, ये आपको बताया गया था पहले। तो ये हो जाएगा, ये इसका पता है कि स्क्वायर है, टू ऑर्डर है माइनस वन, फॉर्मूला से हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, और यहां कितना हो जाएगा, दो माइनस एन ऑर्डर है, एन ऑर्डर है। हाँ, इसका ऑर्डर कितना है, एन है। तो एन माइनस वन हो जाएगा। हाँ, जो ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर एन है, तो एन माइनस वन हो गया। हाँ, ये मतलब नहीं है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर टू ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर से कोई रिलेशन है नहीं। थर्ड क्रॉस थर्ड भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, इसका ऑर्डर एन है तो एन माइनस वन हो गया, क्योंकि फॉर्मूला से। अब देखो इसको ऐड करो तो यहाँ पावर क्या है, वन है, इसमें ऐड हो जाएगा, एन माइनस वन में वन ऐड होगा तो कितना हो जाएगा एन, और जो ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू डी है तो डी हो जाएगा और पावर में एन आ गया। तो ये सी ऑप्शन काफी अच्छा क्वेश्चन था। और जो ये क्वेश्चन है, हाँ, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, आईआईटी में नहीं पूछा है। लिखिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू अल्फा टू टू अल्फा एंड 125, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव। और ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी 2004 में पूछा हुआ है, आईआईटी 2004 में। तो देखो यहाँ इतना जो गिवेन है, हमेशा बताया गया था कि जो भी गिवेन है उससे हम लोग काम करते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये अंदर है ना, ये अंदर है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। हाँ, तो देखो ए मैट्रिक्स का क्यूब है, तो कोई सोचेगा ना कि ए मैट्रिक्स जो है फिर उसमें ए से, फिर उसमें ए से, मतलब तीन बार ए ए ए मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, काफी समय चला जाएगा। बन तो जाएगा बट काफी समय चला जाएगा। तो आप जान लो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर का जो पावर है
वो डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ 3 है ना अंदर, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। हाँ ये जानो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था कि यहाँ जो है ऐसा अगर रह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसा कर देते हैं, वैसे ही जो अंदर है वो बाहर। हाँ इन्वर्स में बताया गया वीडियो में, तो जब अंदर था उसको हम लोग बाहर कर लिए, अब तो ईजी हो गया ना। हाँ यही ईजी हो गया। अब डिटर्मिनेंट निकालिए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का पावर कितना 3। ये काम करते हैं और एक काम करते हैं, ये उधर जाएगा ना तो हो जाएगा 5। हाँ ये 1/3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऑप्शन सी। तो ये आप सीखे कि मैट्रिक्स का पावर अगर डिटर्मिनेंट के अंदर हो तो हम लोग बाहर कर सकते हैं। हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 1 देन देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ऑप्शन है ये में 12 का पावर 4, 13 का पावर 4, 14 का पावर 4 और नन ऑफ दीज। तो देखो ये सब क्वेश्चन ट्रिकली होता है, ये सब प्रॉपर्टी बताए थे उसी समय बोला गया था कि ये सब जो है जेई मेन में पूछते रहता है ये सब। हाँ तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो कोई बच्चा क्या करेगा कि पहले इसका एडजॉइंट निकालेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेगा। बन तो जाएगा बट 20-25 मिनट लग जाएगा उसको। तो देखो हम लोग कैसे टेक्निक से बनाएंगे, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, डिटर्मिनेंट इसका मतलब क्या हुआ ना, देखो डिटर्मिनेंट मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए का डिटर्मिनेंट का पावर एन माइनस, हाँ एन माइनस कितना 2 का स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर, एन माइनस 1 का स्क्वायर। प्रॉपर्टी में बताया गया था कि जाके देखिए पिछले लेक्चर में बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, और उसमें पूरा क्लियर बताया गया था कि कैसे होता है कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट कोई पूछता है तो उसका डिटर्मिनेंट का पावर उसका ऑर्डर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ठीक है ये हो जाएगा, ये ऑर्डर कितना है ना, ये 3×3 का मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर, तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। हाँ कैसे समझिए, 3 है ना, 3 ऑर्डर है तो n के जगह 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो जो डिटर्मिनेंट होगा, हाँ इसको कट कराइए तो क्या मिलेगा, 1 को कट कराओ तो क्या मिलेगा, 1 2 माइनस 1 1, फिर 2 को कराओ तो -1 2 2 1 और फिर -1 प्लस माइनस प्लस, हाँ -1, तो इसको कट कराओ तो -1 1 2 -1।
तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 + 2 = 3, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ -1 और -4, और फिर यहाँ -1, ये हो जाएगा 1 - 2, कितना आया, ये 3 हो गया, -5 ये 10 हो गया, और कितना 2 - 1 - 1 और यहाँ +1, तो कितना आया 14 आया। तो यहाँ ए के जगह जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 14, तो 14 का पावर 4, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इफ ए इज इक्वल टू ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, और वन नंबर में उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, और दूसरा में एडजॉइंट ए पूछ रहा है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो देखो पहले दूसरा कर लेते, तो आपको बताया गया था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का क्या होता है, ये बताया गया था। तो ये होता है ए का डिटर्मिनेंट का पावर एन माइनस वन, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इसको कट कराइए तो ए स्क्वायर ते स्क्वायर और ए क्यू हो जाएगा, बाकी सब कुछ आएगा नहीं। तो इसका डिटर्मिनेंट आया ए क्यू का पावर कितना एन, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा, 3 - 1 = 2, तो ए का पावर 6 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, दूसरा का आंसर हो जाएगा ए का पावर 6, और पहला क्या है, पहला है डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो देखो ए इसका वैल्यू क्या आया था ना, इसका वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था ए का पावर 3, और इसका वैल्यू क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए का पावर 6, तो क्या हो जाएगा ए का पावर 9, तो ये हो जाएगा ए का पावर 9। लिखिए इसे, मिटाते हैं। हाँ क्वेश्चन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square is equal to, और A number option है 2AB, B number में है 2BA, और C में है A plus B और डी में है ए बी। क्वेश्चन पढ़िए, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है और बोला जा रहा है ए बी बी है और बी ए ए है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बोल रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए ए और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी बी, लिख सकते हैं। अब देखो ए ए है, ए के जगह हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं ना, तो देखो ए के जगह वैल्यू बी ए है, हाँ बी ए के जगह हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं बी ए, हाँ इस ए के जगह, इस ए के जगह हम लोग वैल्यू डाल दिए बी ए,
और फिर ये बी है और इस बी के जगह हम लोग वैल्यू डाल देंगे ए बी। ए बी इस बी के जगह ए बी और यहां बी। थोड़ा सोचना है यहां, यहां अगर हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं ना तो इस बी ए के जगह, इस ए बी के जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं ए बी के जगह। और यहां ऐसे करके लिखते हैं ये बी और इस बी के जगह ए बी। ध्यान दीजिए इस ए के जगह हम लोग क्या लिखे बी ए, और इस बी के जगह तो बी लिखे और इस बी के जगह, इस बी के जगह ए बी लिखे। अब देखो ये ए बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं बी, ए बी के जगह बी। हाँ ए बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बी, हाँ ए बी के जगह बी। और यहां ए है तो ए, और फिर ये बी ए के जगह क्या लिख सकते हैं बी ए के जगह, बी ए के जगह ए, बी ए के जगह ए और बी। फिर हम लोग ऐड तो कर नहीं सकते, हाँ तो यहां देखो हम लोग फिर कर सकते हैं ना बी ए, बी ए, हाँ बी ए। तो बी ए का वैल्यू क्या है ना, बी ए का वैल्यू, बी ए का वैल्यू ए है और ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू बी है। तो ए प्लस बी ऑप्शन सी में है। देखो क्या किए, ए स्क्वायर को ए ए बी बी लिखा गया, इस टाइप से लिखा गया ना, ये ए के जगह क्या लिखा गया बी ए और इस बी के जगह क्या लिखा गया ए बी। और यहाँ ए बी, फिर ए बी के जगह फिर यहाँ बी, तो बी इंटू ए और बी ए के जगह ए और फिर बी, देखो बी ए के जगह फिर ए और ए बी के जगह बी, तो ए प्लस बी। तो कैसे हम लोग सोचते हैं कैसे करेंगे, नहीं आएगा ऑप्शन, फिर से सोच को बदलेंगे, फिर से करेंगे, ये सब करना है मैट्रिक्स में। चलिए लिखिए इसे, हाँ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ इफ ए इज 3x3 नॉन सिंगुलर, हाँ नॉन सिंगुलर का मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए और ए का जो ट्रांसपोज वो बराबर है ए का ट्रांसपोज टू ए, एंड जो बी दिया हुआ है ए का इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, देन पूछ रहा है बी इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा। वन नंबर में दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, बी में दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी में दिया है बी का इनवर्स और डी में दिया है बी का इनवर्स का ट्रांसपोज। क्वेश्चन पढ़िए, ए जो है वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, और ये कंडीशन और ये कंडीशन गिवन है, तो ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो देखो क्या पूछ रहा है, बी इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ठीक है यहाँ बी का वैल्यू डालिए तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा ना ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, ते हो गया बी का, और फिर बी का वैल्यू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, हाँ बी का वैल्यू डाले और ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज किए। और जब भी ए तो हो गया ना, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, और इसका प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स ऐसे हो ए बी का ट्रांसपोज करना हो तो पहले क्या करेंगे ना,
पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। तो वैसे ही क्या करना है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, हो गया। अब ये हो गया ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज और कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। और फिर यहां क्या मिला, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। हाँ, तो सब मल्टीप्लाई में है ना, सब मल्टीप्लाई में। तो देखो ये मैट्रिक्स और इसका ये इनवर्स है, इसका ये इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, आई हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स ऐसा प्रोडक्ट में ना, तो कोई मैट्रिक्स और उसी का इनवर्स, ए मल्टीप्लाई होके ये दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा ना, आई। आई क्या बचा, ए का ट्रांसपोज, और इधर क्या बचा, ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। फिर इधर आ जाते हैं इसके अंदर, तो कोई भी मैट्रिक्स में आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है, तो ए का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ना ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। और ये भी प्रॉपर्टी बताया गया था इनवर्स में कि इनवर्स का ट्रांसपोज पहले ट्रांसपोज करके फिर से इनवर्स कर सकते हैं। और यहाँ क्या देखे, ए का ट्रांसपोज मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है और फिर उसका इनवर्स मतलब इसका ये इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा ना, आई मैट्रिक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। लिखिए इसे, हाँ। और ये जेई मेन, ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2014 में पूछा है, जेई मेन 2014 में। लिखिए इसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, वन बाय टू, माइनस वन बाय टू और रूट थ्री बाय टू, और एक मैट्रिक्स ए है उसका वैल्यू है 1101, और बोला जा रहा है एंड क्यू इज इक्वल टू, हाँ क्यू इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, देन पी का ट्रांसपोज इंटू क्यू का पावर 205 इंटू पी इज, और ऑप्शन है 1 2005 01, बी में 1 2005 फिर 2005 01, और सी में ऑप्शन है 10 2005 0 और डी में है 1001। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये पता ही चला, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ईयर में पूछा है, 2005 में। हाँ, आईआईटी क्या करता है ना, जिस ईयर में बच्चे बैठते हैं उसी ईयर को डाल देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 2005 में पूछा है ना, देखो इसमें 2005 यूज कर दिया, हो सकता है ना अगला आप जेई में बैठोगे, हाँ वही ईयर यहाँ डाल देगा, तो उससे कुछ ये नहीं रखना है, बस अपना कंसेप्ट पकड़ के चलना है। तो देखो Q का वैल्यू दिया हुआ है, ये Q का वैल्यू इतना दिया हुआ है, हाँ
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कीजिए। ये जो क्यू का वैल्यू है ना, क्यू का वैल्यू कितना, पी ए पी ट्रांसपोज, पी ए पी ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ पी क्या है, रूट थ्री बाई टू, ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू और रूट थ्री बाई टू, ये पी हो गया। ये जो हम लोगों का मैट्रिक्स है ना, वन वन जीरो वन, और फिर ये जो पी का ट्रांसपोज है, पी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कीजिए तो कितना हो जाएगा ना, रूट थ्री बाई टू और ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू और थ्री बाई टू। तो मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ रहा है, हाँ देखो तुम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इजी पड़ेगा ना, हम लोग इसको इसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसको। तो देखो रूट थ्री बाई टू, इसको पकड़ो ऐसे करो तो रूट थ्री बाई टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, हाँ थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा वन बाई टू, तो कितना आया, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, तो टू बाई टू वन आ गया। और फिर इसको इसमें हम लोग करते हैं तो रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाई टू, मतलब यहाँ आ रहा है ना, हाँ वन जीरो जीरो वन, आई मैट्रिक्स आ रहा है, आई मैट्रिक्स आ रहा है। तो एक मिनट, क्या पता चला, मिटाते हैं इसे, मिटाते हैं। हम लोग देख रहे हैं ना कि ये और ये को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आई मैट्रिक्स मिल रहा है, हाँ तो क्या हो गया, ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स, तो ए में आई से करेंगे तो यही मिलेगा। पी और पी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से तो ए ही मिलेगा, मतलब क्यू का वैल्यू ए हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि क्यू का वैल्यू ए मिल गया। अब किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पी का ट्रांसपोज क्यू का पावर 2005 पी। तो अभी पता चला ना कि ये पी का ट्रांसपोज और पी का वैल्यू कितना, आई, तो ये हो जाएगा q का पावर 2005 इंटू आई, क्या हो जाएगा q का पावर 2005, और q का वैल्यू क्या आया है, a आया है, तो a का पावर हो जाएगा 2005। अब a का पावर ही 2005 फाइंड आउट करेंगे वही हम लोगों का आंसर होगा, हम मिटाते हैं इसे, हम लोग थोड़ा देर पहले a का पावर 100 किए थे, वैसे ही कुछ करेंगे, हम लोग ए स्क्वायर करते हैं तो ए का वैल्यू क्या है ना, ए का वैल्यू, एक मिनट, ए का वैल्यू 11 1101 है, फिर 1101 होगा, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो कितना आया, 1 आया। और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, 112, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 और ये 0, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 और ये 1, हाँ फिर ए क्यू, तो ए क्यू का क्या लिख सकते हैं ना, ए क्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर कितना है, 1201। फिर ए मैट्रिक्स कितना, 1101, करते जाइए, ए स्क्वायर इतना आया, अब ए क्यू इतना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 में 1 से करेंगे 1 और 2 में 0 से करेंगे तो 0, तो कितना आया, 1, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ओवर 2 कितना, 3, और ऐसे कीजिए तो 0 और 0 0 और फिर 0 और 1 कितना, 1। तो हम लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो रहा है, 110 यहाँ 2, फिर यहाँ 110, यहाँ 3 है तो 3। वैसे ही अगर हम लोग ए का पावर 2005 फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये 11, ये 11 और ये 0, यहाँ 2005। तो इस तरीका से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, हाँ ऑप्शन ए, हाँ मिट गया, ऑप्शन ए, ए होगा ऑप्शन ए।
तो हाँ ऑप्शन ए नंबर। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन किए असाइनमेंट का, इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन कराया गया। इन्वर्स कैसे करते हैं, बोर्ड का क्या ट्विस्ट होता है, कैसे ट्विस्ट करके देता है, हम लोग मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं करते हैं, ये सब जाने। कई मैट्रिक्स का अलजेब्रा हम लोग लगाए। तो ठीक है, हम लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का दो टॉपिक और बच गया। एक टॉपिक हो गया आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड आउट करना, और दूसरा हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग देखते हैं। थैंक यू।